हाय माय डिवास, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी 15 मेकअप मिस्टेक्स जो हमसे अनजाने में या कंफ्यूजन में होती हैं, जिससे कि हमारा मेकअप उतना अच्छा नहीं आता है जितना कि हम चाहते हैं। तो क्या है ये मिस्टेक, जैसे कि हमारा फाउंडेशन ग्रे क्यों हो जाता है, हमारे आई शेडो की ब्लेंडिंग इतनी स्मूथली क्यों नहीं हो पाती है जैसा कि हम चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ब्लेंडर्स हम क्रिएट कर देते हैं मेकअप के टाइम पर, तो ऐसी गलतियां हमसे ना हो और मेकअप हमें हमारा मनचाहा मिले, इसके लिए जरूरी है कि उन बातों का ध्यान रखा जाए जो कि हमारे मेकअप को अफेक्ट करते हैं। सो इस वीडियो में मैं उन 15 पॉइंट्स को कवर करूंगी कि जनरली बहुत सारे लोगों के साथ में होते हैं, तो वन बाय वन करके देखते हैं। बट अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साइड में एक बेल बटन है उसे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी मेकअप अप्लाई करते हैं तो सबसे फर्स्ट मिस्टेक जो सबसे होती है वो होता है परफेक्ट लाइट ना मिलने का। यस, लाइट मेकअप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर लाइट सही से नहीं मिल रही है तो आप शेड्स ही नहीं समझ सकते हैं। सो मेकअप के लिए बेस्ट लाइट होती है डे टाइम की लाइट, यानी डे लाइट बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उसमें आपको प्रॉपर शेड्स एंड मेकअप सब कुछ समझ में आता है। इसलिए मेकअप करते समय आप कुछ ऐसा अरेंजमेंट करें कि आपको डे लाइट मिले, बट ये हर टाइम पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अगर आप इवनिंग पार्टी में जा रहे हैं तो आपको डे लाइट नहीं मिलेगी, तो उसके लिए जब आपने जनरली देखा होगा कि घरों में हमारे सब के ट्यूबलाइट या CFL लगा रहता है जो कि व्हाइट लाइट देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मेकअप बहुत अच्छे से बेस रेडी हो, तो आप अपने घर पर येलो लाइट एंड व्हाइट लाइट का कॉम्बिनेशन रखें। येलो लाइट एंड व्हाइट लाइट मिलकर एक डे लाइट वाला फ्यूजन देती है आपको, दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको एकदम परफेक्ट डे लाइट मिलती है। इसलिए दोनों ही लाइट्स को अप्लाई करें अपने मेकअप में। कम्प्लीटली येलो लाइट भी ठीक नहीं है, क्योंकि उससे भी आपको मेकअप में क्या कमियां आ रही हैं वो पता नहीं चलेंगी, और व्हाइट लाइट में तो आपको शेड ही नहीं पता चलेगा। इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन करते हुए मेकअप फ्लॉलेस बना सकते हैं। तो अब सेकेंड पॉइंट है प्राइमर का। सेकेंड ब्लेंडर हम यहाँ पे करते हैं कि प्राइमर नहीं अप्लाई करते हैं। प्राइमर आपके बेस को बहुत लॉन्ग लास्ट करता है, साथ ही साथ आपके जो पोर्स होते हैं उनको ब्लर कर देता है, एक स्मूथ टेक्सचर देता है। तो बहुत सारे लोग कई बार सजेस्ट करते हैं, मैंने देखा है कि क्या एलोवेरा को एज ए प्राइमर अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, एलोवेरा में ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो आपके फाउंडेशन को लॉन्ग लास्टिंग करे, ये इतना स्टिकी नहीं होता है। आप अपने स्किन केयर रूटीन में एलोवेरा को अप्लाई कर सकते हैं, बट एज ए प्राइमर इसे अप्लाई करना ठीक नहीं मानती मैं। तो कुछ ब्रांड्स के प्राइमर बहुत अच्छे आते हैं, जैसे कि ये कलर बार का है, ये कलर एसेंस का पोर फिलर है, एंड पैक का प्राइमर आता है, और लैक्मे का प्राइमर बहुत ही स्मूथ होता है। तो आप इनमें से कोई भी ब्रांड का प्राइमर लें। ऑब्वियसली प्राइमर थोड़ा सा कॉस्टली होता है, लेकिन उसकी क्वांटिटी आपको बहुत कम अप्लाई करनी पड़ती है। इसलिए प्राइमर पर जरूर इन्वेस्ट करें अगर मेकअप को बहुत लॉन्ग लास्टिंग एंड बेस को बहुत अच्छा करना है, तो ये मस्ट है। अब थर्ड मेकअप मिस्टेक होती है ब्यूटी ब्लेंडर से रिलेटेड। आप जब भी ब्यूटी ब्लेंडर अप्लाई करें उसे वेट जरूर कर लें, वेट करके स्क्वीज कर लें, यानी डैम्प कंडीशन में उसे अप्लाई करना है। जैसे कि मेरे पास ये डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर है और ये एकदम ड्राई है, दोनों के शेप में भी आप देखेंगे कि अंतर है, जबकि दोनों इक्वल शेप के हैं, बट ये वेट होने के बाद इसमें वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे कि इसका शेप बड़ा हो जाता है, और ये जब भी आप फेस पर अप्लाई करते हैं तो ये बाउंसी हो जाता है, जबकि ये अभी हार्ड है। और जब भी आप बिल्कुल ड्राई वाला ब्यूटी ब्लेंडर अप्लाई करते हैं तो वो आपके प्रोडक्ट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और फोर्थ मिस्टेक जो हम लोग करते हैं वो होता है कि अपने जो अंडर आई डार्क सर्कल्स होते हैं उनको हाइड करने के लिए कंसीलर लाइट शेड का अप्लाई करते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि अंडर आई जो डार्क सर्कल्स होते हैं उनको हाइड करने के लिए कंसीलर लाइट शेड का अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि वो हाइड नहीं होते हैं बल्कि और भी विजिबल होते हैं अच्छे से। इसलिए जब भी आपको अपने अंडर आई डार्क सर्कल्स या पिगमेंटेशन को हाइड करना है तो ऑलवेज ऑरेंज कलर का करेक्टर अप्लाई करें। ऑरेंज कलर का करेक्टर बहुत ही कम क्वांटिटी में आपको अप्लाई करना है, और उसको अप्लाई करने के बाद एक गुस पाउडर से जरूर सेट करना है। सो ऑरेंज कलर करेक्टर जो आपके डार्क सर्कल्स होते हैं उनको बिल्कुल कैंसिल आउट कर देता है। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो स्टेप बाय स्टेप करके 14 पार्ट्स में बेसिक मेकअप सीरीज बनाई है, आप जरूर से डिटेल में देखें कि कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पर जस्ट मैं आपको जो मिस्टेक्स होती हैं उनको कैसे करेक्ट करना है वो बता रही हूँ। ऑरेंज कलर करेक्टर हमेशा इसलिए अप्लाई किया जाता है कि जो भी डार्क सर्कल्स होते हैं वो ब्लू और ब्लैक कलर के होते हैं, उन्हें कैंसिल आउट करने के लिए, वार्मथ देने के लिए ऑरेंज कलर करेक्टर बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो उसे कैंसिल आउट करने के लिए ऑरेंज कलर करेक्टर ही अप्लाई करते हैं, उसे सेट करने के बाद ही आप फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हैं। सो जो भी कलर करेक्टर आप अप्लाई कर रहे हैं क्वांटिटी बहुत कम रहनी चाहिए, बिल्कुल जस्ट आपको जो पिगमेंटेशन है उसको ही हाइड करना है, उसे एक्सेसिव में नहीं लगाना है, और उसे सेट जरूर करना है। तो यहाँ पर सेट करे बिना अगर आप फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो वो कलर आपके फाउंडेशन के बेस में मिक्स हो जाएगा, जो कि इफेक्टिव नहीं रहेगा।
सो फिफ्थ पॉइंट है फाउंडेशन को चूज करने एंड उसके एप्लीकेशन से रिलेटेड। फाउंडेशन को जब भी आप चूज करें वो आपकी स्किन टोन से मैच करता हुआ होना चाहिए, एग्जैक्टली मैच करता हुआ होना चाहिए। अगर आप अपनी स्किन टोन से वन शेड लाइट लेते हैं और या फिर अपनी स्किन टोन से वन शेड डार्क लेते हैं और उसको अप्लाई करते हैं तो आपका फेस ग्रे हो जाएगा थोड़ी टाइम बाद, बिकॉज फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होता है। सो फाउंडेशन ग्रे होने का रीजन यही होता है कि आपका सही स्किन टोन का फाउंडेशन आपको नहीं मिल पाता है। सो ऑलवेज फाउंडेशन को चूज करते समय अपनी स्किन टोन को जरूर जाने कि आप वार्म अंडरटोन के हैं, कूल अंडरटोन है या फिर न्यूट्रल अंडरटोन के हैं। उसको जाने के बाद परफेक्ट शेड बिल्कुल मिलता जुलता ही चूज करें, जिससे कि आपका बेस बहुत फ्लॉलेस आएगा। और सेकेंड फाउंडेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी आप फाउंडेशन अप्लाई करते हैं आप केवल इस एरिया को कवर करते हैं, आपकी जो हेयर लाइन होती है, जो ये ईयर के पास का एरिया होता है, इसे आप निग्लेक्ट कर देते हैं, जो कि ठीक नहीं है क्योंकि ये एक मास्क वाला इफेक्ट देता है। अगर आप चाहते हैं बिल्कुल आपकी सेकेंड स्किन टोन जैसा फाउंडेशन नजर आए तो आप पूरा हेयर लाइन से लेके अपने नेक एरिया एंड इवन ईयर तक को कवर करें तो बेस बहुत अच्छा बनता है। और नेक्स्ट बहुत ही जनरल मिस्टेक जो हमसे होती है वो है कि आईब्रोज की फिलिंग को निग्लेक्ट कर देना। आइदर आईब्रोज आप फिलिंग नहीं करते हैं या उसे ओवरडू कर देते हैं, तो दोनों ही पॉइंट ठीक नहीं है। आईब्रोज को फिल करना आपके फेस में बहुत चेंज ले आता है और बहुत ही पॉजिटिव चेंज लाता है। तो आईब्रोज को फिल करने के लिए आपके पास में कोई भी ब्राउन कलर का शेड हो, आई शेडो हो, उससे जस्ट आप फिलिंग कर लें। तो जस्ट लाइक ये कॉन्टूर पाउडर होता है, इससे भी आप आईब्रोज की फिलिंग कर सकते हैं। स्पूली से जस्ट ब्रश आउट किया और उसके बाद में आई शेडो या कॉन्टूर पाउडर को लेते हुए आपको इस वाले एरिया से स्टार्ट करना है। यहाँ से पाउडर की फिलिंग करते हुए आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है और जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसे जस्ट नेचुरल दिखाने के लिए जो बचा हुआ प्रोडक्ट होता है वही अप्लाई करना है। तो आईब्रोज की फिलिंग को बिल्कुल भी आप निग्लेक्ट ना करें। नेक्स्ट मेकअप से रिलेटेड जो मिस्टेक होती है वो होता है आईलाइनर एप्लीकेशन। आईलाइनर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है बहुत सारे लोगों को कि उनका आईलाइनर इक्वल नहीं लग पाता है और उन्हें ये नॉलेज नहीं होता है कि आईलाइनर यहाँ से आपका नैरो रहेगा, यहाँ मीडियम रहेगा और यहाँ पे जाके थिकर हो जाएगा। तो ये तीन पार्ट्स में डिवाइड होते हुए आपको आईलाइनर अप्लाई करना है और आईलाइनर तभी आपका अच्छा होगा जबकि आप उसकी बहुत बार प्रैक्टिस करें। डियर मेकअप की प्रैक्टिस करने से ही वो परफेक्ट बनेगा। नेक्स्ट मेकअप मिस्टेक ये होती है कि मस्कारा अप्लाई करने के बाद में आईलैशेस को कर्ल करना। तो आईलैशेस को कभी भी आपको मस्कारा अप्लाई करने या फालसीज अप्लाई करने के बाद में नहीं करना है। ऑलवेज मस्कारा अप्लाई करने से पहले ही आईलैश को कर्ल करें। सो आईलैश कर्ल करने के टाइम पर एक तो आप बहुत केयरफुल रहें कि अपने आप को हर्ट नहीं कर दें। सेकेंड चीज है जब आईलैश कर्लर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी एक बार आप बिल्कुल रूट पे करें, फिर उसके मिडिल लिड पर एंड देन आउटर लिड पर प्रेसिंग करें। जस्ट प्रेस करते बाहर की तरफ जाए जिससे कि वो एकदम प्रॉपर कर्ल हो जाती हैं। और नेक्स्ट मिस्टेक जो बहुत कॉमन है वो है कॉन्टूर करने की, कि आप ब्रॉन्जर जो पाउडर अप्लाई करते हैं उसे कैसे अप्लाई करें जिससे कि बहुत प्रॉपर फिनिश आए। जैसे कि मुझसे बहुत ज्यादा वाइडली जो क्वेश्चन किया जाता है वो होता है कॉन्टूर से रिलेटेड, कि उनका जो कॉन्टूर यहाँ से करते हैं वो ड्रूपी हो जाता है, नीचे चला जाता है। सो बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होता कि ब्रॉन्जर को चीक बोन पे कहाँ तक अप्लाई करना है, वो बहुत नीचे चला जाता है। तो इसके लिए भी मैंने बताया कि बेसिक मेकअप सीरीज में मैंने बहुत डिटेल में सारे पॉइंट्स को कवर किया है, उसे आप जरूर चेक कीजिएगा। यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि जब भी आपको कॉन्टूर करना है तो आपको अपनी जो चीक बोन है उसे पता करने के लिए यहाँ पर ईयर के पास में अपना इस तरह से हाथ रखिए और आपको देखिए फीस फेस बनाते ही पता चल जाता है कि ये वाला एरिया जो है वो आपका चीक बोन के नीचे वाला आ रहा है, यहीं पर आपको कंट्रोल करना है। ये क्लियरली नजर आ रहा है कि आपको यहाँ पे ब्रॉन्जर अप्लाई करना है और ब्रॉन्जर अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन सोचनी है कि आपकी जो आई का आउटर कॉर्नर है वहां तक आपको ये ब्रॉन्जर अप्लाई करना है, इसके आगे नहीं बढ़ना है। तो ये यहाँ पर फिनिश हो जाना चाहिए क्योंकि अगर आप आगे तक करेंगे तो आपका फेस ड्रूपी नजर आने लगेगा। तो एक तो ये चीक बोन का है, देन ये जॉ लाइन को करते हैं जिससे कि फेस बहुत शार्प लगे, और दूसरा होता है अपनी नोज को भी कॉन्टूर करते हैं यहाँ पर साइड में एंड हेयर लाइन पर भी ब्रॉन्जर अप्लाई करते हैं। अगर आपका फोरहेड नैरो है तो वहां पर ब्रॉन्जर अप्लाई करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, जस्ट हेयर लाइन पे आपने अप्लाई किया है और हो गया। सो नेक्स्ट पॉइंट होता है ब्लशर एप्लीकेशन से रिलेटेड जो मिस्टेक होती है, तो ब्लशर ऑलवेज आप जो ब्रॉन्जर होता है उसके ऊपर अप्लाई करें और ये एप्पल ऑफ चीक का जो फ्रंट एरिया है इस पर कभी ना अप्लाई करें क्योंकि इस पर अप्लाई करने के बाद में फेस बहुत चबी नजर आता है। तो ऑलवेज साइड में इस जगह पर अप्लाई करें जिससे कि फेस बहुत लिफ्टेड नजर आता है।
और नेक्स्ट बहुत ही कॉमन मिस्टेक है हाईलाइटर एप्लीकेशन से रिलेटेड। आप हाईलाइटर कहाँ पर अप्लाई करें, क्या आपके हाईलाइटिंग पॉइंट है फेस के, उसके लिए जरूरत होती है कि जस्ट फेस को आप देखिए, जहां जहां पर आपके फेस पर लाइट नजर आ रही होती है वही आपके फेस के हाईलाइटेड पॉइंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर लाइट पड़ती है आप देखेंगे कि एक नेचुरल शाइन इसमें आती है। आपकी जो ब्रो बोन होती है, ब्रिज ऑफ नोज, क्यूपिड बो एंड चिन एरिया एंड ये जो टेम्पल्स होते हैं दोनों, इन पर नेचुरल लाइट नजर आती है। तो इन्हीं एरियाज को हम फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद, सेट करने के बाद हाईलाइट करते हैं। सो नेक्स्ट बहुत ही कॉमन मिस्टेक है लिप ग्लॉस के एप्लीकेशन से रिलेटेड। जब भी आप लिप ग्लॉस अप्लाई करें उसे सेंटर ऑफ लिप पर ही अप्लाई करें, पूरे लिप्स पर अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि उससे आपके लिप्स का शेप अच्छे से डिफाइन नहीं होगा। सो जस्ट एक शाइन ऐड करने के लिए आपको केवल सेंटर में ही इसे अप्लाई करना है, जिससे कि आपके लिप्स बहुत फुलर नजर आते हैं और पूरा शेप भी बहुत अच्छे से डिफाइन होता है। सो मेकअप से रिलेटेड नेक्स्ट जो बड़ी कॉमन सी मिस्टेक होती है वो लिप लाइनर को एप्लीकेशन से रिलेटेड होती है। कुछ सालों पहले आपने देखा होगा कि लिप्स को पूरा आउटलाइन कर लिया जाता था, देन दूसरे शेड की लिपस्टिकों से पूरे लिप्स को फिल कर दिया जाता है। अभी ये बिल्कुल आउट ऑफ फैशन है। आप जब भी लिपस्टिक अप्लाई करें ऑलवेज सेम शेड का आपको लिप लाइनर लेना है और उससे आउटलाइन ही नहीं करनी है बल्कि उसे पूरा लिप पर भर देना है, पूरा फिलिंग कर देनी है। उसके बाद आपको लिपस्टिक अप्लाई करनी है जिससे कि लिपस्टिक पैची पैची सी नहीं लगती हो और कोई भी दूसरा शेड बाहर की तरफ नजर नहीं आता है। सो लिप लाइनर आपके लिपस्टिक के शेड से बिल्कुल मैच करता हुआ होना चाहिए। एकदम अपोजिट लिप लाइनर अप्लाई करने का बिल्कुल ट्रेंड नहीं है अभी। और लास्ट मिस्टेक होती है कि अपने बेस को सेट करने के लिए जब भी स्प्रे अप्लाई करते हैं तो उसे कभी भी करीब से अप्लाई नहीं करना है। जब भी आप इसे बहुत पास से अप्लाई करेंगे तो इसके जो ड्रॉप्स होते हैं वो आपके बेस को खराब कर देंगे, एक स्टिकीनेस आ जाएगा। तो ऑलवेज दूर से स्प्रे करें जिससे कि बहुत स्मूथ फिनिश आती है। तो थोड़ा सा दूर से करना है और उसके बाद आपको सेट करने की जरूरत नहीं है, वेट कीजिए अपने आप से ये ड्राई हो जाता है और बहुत ही फ्लॉलेस फिनिश देता है। सो ये 15 मिस्टेक्स हैं जिनको कि मैंने इस वीडियो में कवर किया है। हो सकता है आपके अकॉर्डिंग और भी मेकअप मिस्टेक्स होती हैं। अगर आपको कुछ और भी डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अलका स्टाइल दीवा और मेरा फेसबुक पेज भी अलका स्टाइल दीवा है। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो कीप वॉचिंग, टेक केयर, स्टे स्टाइलिश। जल्दी मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।